वेलकम वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन पालक मलाई बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोज अच्छी लगे थम्स अप दें। हमारा पैन जो है वो प्री हीटेड है मीडियम हाई पे। हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन का पेस्ट और 1/2 कप पिसी हुई प्याज। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने छोटे छोटे पीसेस किए हुए चिकन के। 1.5 पाउंड चिकन ब्रेस्ट डाल देते हैं 700 ग्राम के आसपास। चूल्हा अब हम अपना कर लेते हैं थोड़ा सा हाई की तरफ, मीडियम हाई है। हमें बस जब तक ही फ्राई करना है जब तक के पिंक कलर जो है वो चेंज होके वाइट में टर्न ना हो जाए, जब तक हम भूनेंगे। एट दिस पॉइंट हम अपने मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूं है, 2 टेबलस्पून काजू का पाउडर, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर यानी एक नोर या मैगी की चिकन क्यूब, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून वाइट पेपर, अगर आपके पास वाइट नहीं है तो आप ब्लैक डाल दें 1, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये चला गया, देखिए कितना सिंपल सा है। अब इसको हम हिला लेंगे। अच्छा देखें, कोई पाबंदी नहीं है कि ये वॉक में ही बनेगा, पतीले में बन सकता है, किसी भी चीज़ में बन सकता है। मेरे पास है, मेरा दिल चाह रहा है तो मैं इसमें बना रही हूँ, जिनके पास है वो ज़रूर बनाएं। और अगर कोई इंटरेस्टेड है मेरी कोई भी चीज़ ख़रीदने में, लोगों को बहुत पसंद आती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे रही हूँ, आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। देखें ये ड्राई सा हो रहा है और ये देखें थोड़ा थोड़ा नीचे चिपक रहा है, तो अब हम इस पॉइंट पर थोड़ा सा पानी डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास और इसको भूनेंगे। बस जब जब ड्राई लगे 1-1 टेबलस्पून पानी का डालते जाएं, भूनते जाएं। एटलीस्ट हमें इसको भूनना है 6-7 मिनट तक। चले अब हम चिकन को थोड़ा सा साइड में लगाएंगे और इस पोर्शन पे 1 टेबलस्पून भर के हम बटर डालेंगे और इस बटर के ऊपर 1 टेबलस्पून हम मैदा डालेंगे। अब हम इसको भूनेंगे। ये देखें हमारा मैदा जो है वो साइड में भुन रहा है, चिकन जो है वहाँ पड़ी हुई है। ये देखें मेल्ट होता जाएगा गर्मा गर्म वॉक में। ये देखें कैसा ज़बरदस्त सा मिल गया और देखें कितना ख़तरनाक सा पक भी गया। ये देखें, चले अब इस पोर्शन पे हम ये मिक्स कर देते हैं। ये हमने अच्छे से मिक्स किया और अब हम इसमें 3 कप रूम टेम्परेचर दूध डाल देंगे। ये चला गया, है ना इंटरेस्टिंग। चले अब इसको मिला देते हैं। बस अब हम ज़रा सा वेट करेंगे कि ये हमारा जो है दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए। देखिए हमारा दूध जो है उबल रहा है और कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो गई है। हम इस पॉइंट पर अपना चूल्हा जो है वो मीडियम कर देते हैं। अब हम इसमें हमारी प्री वॉश्ड चॉप्ड 225 ग्राम और 8 आउंस पालक डाल देंगे। ये चली गई। अब हम इसको आपस में अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितनी चिकन कितनी खुश हो रही है कि भाई मेरा साथी आ गया, हमारे तो नाम साथ थे, पालक नहीं थी तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। देखिए बबल होने लगा है। अब इस पॉइंट पर हम अपना 1/2 कप क्रीम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके घर पे मलाई है तो आप बहुत लकी पीपल हैं, वो डाल दें, फिर आपको क्रीम की क्या ज़रूरत है।
आइसक्रीम का आपके पास तो बाप है। चले अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसको 3-4 मिनट सिमर पर रखते हैं कवर करके। चूल्हा हमारा मीडियम लो पे। चले देख लेते हैं हमारा सॉस गाढ़ा गाढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हो गया, पालक भी ब्यूटीफुली डन हो गई है देखें। चलिए डिश आउट कर लेते हैं। चिकन पालक मलाई ट्राई करते हैं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। इतना क्रीमी और इतना कंफर्टिंग है ये फूड, मजे से बस झटपट ये बनाए, चावलों के साथ एक प्याला भर के बैठ गए खाने के लिए, मज़ेदार, मतलब दिन बन जाता है ऐसा है। लेकिन आप लोग को तो जब पता चलेगा ना, जब आप लोग बनाएंगे, जाएं जल्दी जाएं बनाएं और मुझे बताएं फिर कैसा बना। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।